था विष्णु जी के चरण पादुकान के निशान। अगर कोई पढ़ ले तो वो सात राजा का धन प्राप्त कर सकते हैं। और शायद ही आप लोगों ने इतना सूक्ष्म शिवलिंग देखा होगा जो। हाय गाइस, स्वागत हो गया मेरे YouTube चैनल नायक ब्लॉग में आप लोगों का फिर से। और आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा चेचका धाम का। तो चेचका धाम देखने के बाद हम लोगों को यहाँ के स्थानीय लोगों से कुछ जानकारी मिला था कि हमारे चेचका धाम से आगे एक नदी है, वहाँ पे विष्णु जी के चरण पादुका का निशान है, आज भी वहाँ पे मौजूद है। तो मैं आप जो आपरूपी है, तो मैं आज स्थानीय लोगों के मदद से उस चरण पादुका की ओर लेके जा रहा हूँ आप लोगों को। तो आप वीडियो पे बने रहिए, मैं आप लोगों को चरण पादुका का दर्शन करवाने के लिए जा रहा हूँ। और यहाँ प्राकृतिक नज़ारा भी बहुत ही सुंदर है दोस्तों, आप देख सकते हैं चारों तरफ पेड़ पौधा हरियाली दिख रहा है और आगे नदी भी है। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको आगे की ओर लेके जाने का। आप लोग वीडियो पे लगातार बने रहें, मैं आपको लेके जा रहा हूँ। ये आपका जाने का रास्ता है, आप देख सकते हैं यहाँ के रास्ता के बनावटी कुछ इस प्रकार है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, प्राकृतिक दृश्य आप देख सकते हैं। पहले तो मैं आपको यहाँ के जो हरियाली है, प्राकृतिक नज़ारा है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। गाइस, आप अगर चेचका धाम आए और इस जगह को ना आए तो क्या आए। आप ये जगह देख सकते हैं कितना प्राकृतिक नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही खूबसूरत वातावरण है। और हमारे साथ आज बबलू जी भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। क्या बबलू, मज़ा आ रहा है आपको? मज़ा आ रहा है। और यहाँ के जो ऐतिहासिक जानकारी मिले ना, उससे तो मेरे को ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ। और आप लोग देखेंगे क्या क्या होने वाला अभी आगे भी वीडियो में। और यहाँ का प्राकृतिक नज़ारा के बारे में आपको क्या कहना है? प्राकृतिक नज़ारा तो देखने लायक बहुत है, मस्त जगह है। आप देख सकते हैं पीछे नदी मिल रही है जो गाँव वालों से, वो जानकारी से मेरे को लग रहा है कि ये जगह को है, ये जगह को आगे बढ़ाना चाहिए। झारखंड में नहीं, ये पूरे इंडिया में फेमस करना चाहिए जगह को। तो चलिए दिखाते हैं, फिर जानकारी देते हैं। अगर आप वीडियो वो अच्छा लग रहा होगा और जगह अच्छा लग रहा होगा तो इस जगह को आप दुनिया के सामने लाओ तो अच्छा रहेगा, हम लोग के लिए भी और यहाँ जो गाँव के लोग उन लोग के लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्त, आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ का प्राकृतिक नज़ारा कितना सुंदर है। ऊपर देख सकते हैं जंगल, नीचे पहाड़ी, नीचे पत्थर और फिर उसके जस्ट नीचे देख सकते हैं कि पानी बह रहा होगा। कितना खूबसूरत वातावरण है आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको लगेगा कि कुछ समय यहाँ पे व्यतीत करें। और हमारे साथ आज मौजूद है यहाँ के कुछ स्थानीय लोग, तो आइए फिर हम लोग यहाँ का जो प्रमुख मंदिर है यहाँ पर, जो मैंने अभी वीडियो के शुरू में बतलाया था आप लोगों को कि यहाँ पर विष्णु जी के चरण पादुकान के निशान है, तो मैं अब उस पादुकान की ओर लेके चल रहा हूँ आप लोगों को। और मैं आप लोगों को उस चरण पादुकान का दर्शन भी करवाने वाला हूँ। तो थोड़ा सा पहले, इससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ का प्राकृतिक नज़ारा का बैक कैमरा से दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कुछ व्यू। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं मंदिर की ओर जैसे ही प्रवेश करने जा रहा था तो यहाँ पे कुछ अचानक से कुछ ऐसा चीज़ देखने को मिला जो आपरूपी है और ये बड़ा ही अद्भुत है। आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों के सामने भी इस चीज़ को दिखाने के लिए जा रहा हूँ। और ये जो लिपि है, ये कौन सी लिपि से लिखा हुआ है किसी को मालूम भी नहीं है। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इनसे भी कुछ बातचीत करके पता करते हैं कि क्या है इस लिपि के रहस्य के बारे में। और ये जो लिपि आप देख रहे हैं कैमरा में, वीडियो में, ये लिपि के बारे में किसी को शायद कोई जानकारी नहीं है। और गाइस, जैसे ही मैं मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए जा रहा हूँ तो यहाँ पे बहुत सूक्ष्म शिवलिंग मुझे देखने को मिल रहा है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं बहुत ही सूक्ष्म शिवलिंग यहाँ पर बना हुआ है, और शायद ही आप लोगों ने इतना सूक्ष्म शिवलिंग देखा होगा जो आपरूपी है, किसी के द्वारा कोई बनावटी नहीं है, ये खुद ब खुद यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो पहले मैं बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग का दर्शन करवाता हूँ, फिर अंदर जहाँ विष्णु जी के चरण के निशान, चरण पादुकान के निशान है, मैं उनका भी आज इस वीडियो में दर्शन करवाऊँगा आप लोगों को। आप देख सकते हैं कि इतना सूक्ष्म शिवलिंग पहली बार मैंने भी देखा है। तो चलिए, अब मैं वीडियो को आगे की ओर लेके जा रहा हूँ और विष्णु जी के जो चरण पादुकान है
उस मंदिर के अंदर में प्रवेश करने के लिए जा रहा हूँ। और ये रहा मंदिर, ये रहा मंदिर, और ये रहा विष्णु जी के चरण पादुकान के निशान। गाइस, जैसे कि आम तौर पर किसी भी इंसान के पाँव के निशान ऐसा नहीं होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पाँव के निशान है ये बड़ा ही अद्भुत है, अविश्वसनीय है। और ये चरण के निशान देखने के बाद मुझे कुछ और दिखाई दे रहा है, मैं आप लोगों के करीब ला रहा हूँ। ये सुदर्शन चक्र का निशान दिख रहा है यहाँ पे मुझे, और उसके जस्ट बगल में आप देख सकते होंगे ये गदा का भी निशान है, और इधर भी देख सकते हैं विष्णु जी के चक्र के निशान है यहाँ पे, और ये रहा विष्णु जी के चरण पादुकान के निशान। तो मैंने तो दर्शन कर लिया है, और आप लोग भी दर्शन कर लें विष्णु जी के चरण पादुकान के निशान। तो हम लोग चरण पादुकान का दर्शन तो कर लिए, साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है यहाँ के एक स्थानीय ग्रामीण जिनका नाम है, क्या नाम है भैया आपका? बचन मातो जी, ये हमें यहाँ के मंदिर के बारे में कुछ बातें बताएंगे। भैया, ये मंदिर, ये जो विष्णु जी के चरण के निशान है, कितना पुराना है? ये तो भैया देखिए हजारों साल पुराना है, समझिए ये हजारों साल पुराना है, लेकिन वो चरण पादुका से नीचे उतरिएगा उस टाइम देखिएगा इस पत्थर पे कोई चीज़ लिखे हैं, ऊपर वाला का इच्छा से लिखा हुआ है। इस बुजुर्ग आदमी का कहना है कि ये अगर कोई पढ़ ले तो वो सात राजा का धन प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे बुजुर्ग आदमी का कहना है। क्योंकि ये तो देखिए हम लोग तो ये जानकारी नहीं बोल सकते, लेकिन आगे का बुजुर्ग आदमी जो थे, बूढ़ापर का जो आदमी थे, वो लोग हम लोग को बोल रहे थे, उस टाइप में हम लोग सुने हैं। और इस जगह जो है जोड़िया, इस जोड़िया से आदमी नहा हुआ के जल उठा के भगवान विष्णु जी का चरण पादुका में डालते हैं, उसका बाद अगरबत्ती जलाते हैं, प्रसादी उरसादी जो है चढ़ाते हैं चेचका धाम में, उसका बाद फिर उतरते हैं, उसके बाद फिर जल लेके सीधे चेचका धाम चल जाते हैं। चेचका धाम में बाबा भोलेनाथ विराजमान है, वो जो चेचके धाम चेचकेश्वर धाम के नाम पे जाना जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने सुना, सबसे पहले प्रमुख बात यह है कि विष्णु जी के चरण पादुकान का दर्शन करने के बाद नीचे में पत्थरों में कुछ ऐसे लिपि में लिखा हुआ है यहाँ पे कि इनका कहना है, और यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है और बुजुर्गों का कहना है कि इस लिपि को जो भी पढ़ लेगा यहाँ पे कुछ खजाने का रहस्य छिपा हुआ है। तो इसको जैसे ही कोई अगर पढ़ लेगा तो यहाँ पे सात राजा के खजाने का रहस्य उनको पता चल जाएगा। तो बहुत ही रहस्यमय जगह है दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाया, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इस जगह को बहुत ज़्यादा प्रचलित करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इस तरह से नई अपने इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखें। जय चस्कधर धाम, जय चचका धाम, और जय भोलेनाथ। और भैया को भी साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।